हेलो व्यूअर, हमारे पास एक बोट कंपनी का 131 एयर डॉप्स आया है। इसका जो बर्ड्स है ना दोस्तों, ये प्रॉपरली चार्ज नहीं हो रहा है एक साइड का, तो हम इसको चेक करने वाले हैं कि इसका जो चार्जिंग मैकेनिज्म क्या है और ये क्यों चार्ज नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये इसका चार्जिंग केस है, एयरबड्स से दोस्तों इस टाइप का ये डिज़ाइन है। एक लेफ्ट और राइट है, दोनों में 13 mm का ड्राइवर यूज हुआ है। और ये नीचे से देखिए दोस्तों, ये दो पॉइंट आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से ये जो इसका जो चार्जिंग केस होता है, वहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी होती है। इनको यहाँ से चार्जिंग के लिए वोल्टेज मिलती है केस से। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ दो पॉइंट है नीचे, जो एयर बड्स है ना इसमें कनेक्ट हो जाते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं इस चार्जिंग केस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक बड्स चार्ज हो रहा है, दूसरा हो नहीं पा रहा है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करने वाले हैं, जो कि इजीली ओपन हो जाएगा दोस्तों। ये जो एयर डॉप्स है दोस्तों, इसमें कोई ग्लू नहीं लगा होता है दोस्तों। दोस्तों आप देखिए कि हमने इस डॉप्स को ओपन कर लिया है। चार्जिंग के लिए सी टाइप पोर्ट दिया हुआ है दोस्तों, तो इंडिकेशन के लिए एलईडी है वो लगे हुए हैं, 3 LED है ये। इस केस के अंदर 650 mAh की बैटरी दी हुई है, जिसका वोल्टेज 3.7 volt है। जो बैटरी है ना वो 3.7 volt का लगा हुआ है, लेकिन ये जो बर्ड्स है ना दोस्तों, ये 5 volt पर चार्ज होते हैं। तो इस 5 volt को बनाने के लिए यहाँ पे एक सर्किट लगाया है दोस्तों, जिसे हम बूस्ट कन्वर्टर सर्किट कहते हैं। एक्चुअली हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि 5 volt कब बनता है इसमें। तो इसको इसके जो पिन्स है ना, इन पे वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज 5 volt नहीं आ रहा है। सोचिए दोस्तों कि यहाँ 5 volt नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो सर्किट है ना, ये फीडबैक मैकेनिज्म पर काम करता है। मैं इस कैप को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, उससे इस सर्किट को फीडबैक आता है। 0.4 volt बन रही है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अब भी यहाँ पे 5 volt नहीं आ रहा है। तो अब ये क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे 5 volt नहीं आ रहा है? जब तक 5 volt नहीं आएगा, जब तक बर्ड चार्ज नहीं होंगे, तो इसके पीछे इस सर्किट से बर्ड कनेक्टेड नहीं होंगे जब तक 5 volt आउटपुट यहाँ से नहीं निकलेगा दोस्तों। इस टाइप का ये सर्किट है, वो फीडबैक के ऊपर काम करता है। हमने एक बर्ड्स कनेक्टेड कर दिया है, कैसे कैप यहाँ कनेक्ट किए दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 5 volt बनना स्टार्ट हो चुका है, जैसे हमने बर्ड्स कनेक्ट करके यहाँ कैप लगाई है। तो कैप से फीडबैक आता है इस सर्किट में, मैग्नेटिक मैग्नेट के थ्रू, उसमें मैग्नेट लगा हुआ है। सेकेंड 5 volt आ रहा है, ये जो बर्ड्स है ना वो 5 volt पर चार्ज होते हैं, 3.7 से 5 volt बन रहा है। ये देखिए 5 volt आ रहा है। तो आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए, अगर यहाँ पे 5 volt नहीं बन रहा है ना दोस्तों, तो ये बड्स चार्ज नहीं होंगे दोस्तों। कई बार जो बैटरी है ये प्रॉपर ओके भी होनी चाहिए, कई मसलों में बैटरी ख़राब होने की वजह से भी यहाँ वोल्टेज नहीं बन पाती है, प्रॉपर चार्ज नहीं होता ये। तो इस कैप के अंदर मैगनेट दिया हुआ है, मैं यहाँ इस कैप में मैगनेट दिया हुआ है, देखिए चिपक गया है, ये मैगनेट दिया हुआ है। जैसे ही ये जो मैगनेट है, यहाँ नीचे इसके नीचे सेंसर है, इसके नीचे एक सेंसर है, सेंसर है। जैसे ही ये मैग्नेट इसके कनेक्टिविटी में आता है, जैसे ही ये मैग्नेट उसके कनेक्टिविटी में आएगा दोस्तों, तो यहाँ इस जो बोर्ड है ना, इसको सिग्नल जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे 5 volt जनरेट होगा। जब तक यहाँ ये कैप यहाँ कनेक्ट नहीं होगा ना, तब तक आपके बोर्ड्स भी चार्ज नहीं होंगे। ये ध्यान रखिए, अगर आपने इसको ओपन करके ऐसे रख दिया है, छोड़ दिया है, तो आपके बर्ड्स उस कंडीशन में चार्ज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 volt बनता ही नहीं है जब तक। कई रीज़न ऐसे भी होते हैं कि ये जो सी टाइप पोर्ट है ना, ये अगर ये ख़राब हो जाता है, ये सी टाइप पोर्ट ख़राब हो गया, तो ये जो एयर डॉप्स है ये चार्ज ही नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में। तो आपको इस सी टाइप पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा उस कंडीशन में।
तो इसमें चार्जिंग सेक्शन और इसका जो बूस्ट कन्वर्टर सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस एयर डॉप्स के अंदर, जिससे 3.7 वोल्ट से 5 वोल्ट बनता है, और 5 वोल्ट से ये जो लगे हुए जो बर्ड्स हैं ना वो चार्ज होते हैं। तो आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि इसका जो चार्जिंग मैकेनिज्म है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। मैंने आपको वोल्टेज भी यहाँ पे चेक करके दिखाई। इस मसले में क्या हुआ था कि इसका जो दोनों पिन्स है ना, उसमें कनेक्टिंग पिन का इशू था, वो जाम हो गई थी नीचे से। तो हमने उनको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद में वो प्रॉपर वर्क करनी स्टार्ट हो गई है। तो ये जो दोनों एयर बर्ड्स हैं ना, वो चार्ज होने स्टार्ट हो गए हैं। तो मैंने इनको चार्ज भी कर लिया है। तो देखिए ये ऑन हो गया है, ठीक है। इस पे ग्रीन और रेड लाइट आ रही है, जबकि ये वाला जो बर्ड्स है ना, इस बर्ड से कनेक्टेड हो चुका है। ये देखिए ये ब्लिंक किया, आपको देखा होगा दोस्तों आपने, ये जो बर्ड्स है ना, इस बर्ड से कनेक्टेड हो चुका है, और ये बर्ड जब स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ पाएंगे दोस्तों कि ये इसमें जो टेक्नोलॉजी दी हुई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इन जो बर्ड्स है ना, इसमें भी छोटी छोटी बैटरी दी हुई है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ एक बर्ड्स को, ये इजीली ओपन हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 13 mm का ड्राइवर दिया हुआ है, 13 mm का ड्राइवर दिया हुआ है। क्वालिटी वास्तव में इनकी बहुत अच्छी है, और यहाँ एक छोटी सी बैटरी दी हुई है, कमाल की टेक्नोलॉजी है भाई। अंदर यहाँ नीचे देखिए एक सर्किट है, इस सर्किट ये इसमें यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, इसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट, ब्लूटूथ और ऑडियो का ड्राइवर वगैरह सब चीज़ें इसमें इस सर्किट में होता है, जो कि स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी और इसमें वॉइस जनरेट करने का पूरा काम इस सर्किट का होता है, और पावर इस छोटी सी बैटरी से मिलती है। देखिए दोस्तों क्या टेक्नोलॉजी है, छोटी सी बैटरी है जिससे कि ये बर्ड्स काम करते हैं। इस बैटरी का मसला भी हो सकता है भाई, ये बैटरी ख़राब होने की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। इससे इसको असेंबल्ड कर दिया है, छोटी छोटी बैटरी, ड्राइवर और सर्किट, कितनी सारी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में इस छोटे से बर्ड्स के अंदर देखिए क्या टेक्नोलॉजी इनबिल्ट कर की है कंपनी ने। और इसका केस भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसमें फीडबैक के द्वारा वोल्टेज जनरेट होती है। तो आपको जब तक इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा कि इसका जो चार्जिंग सर्किट काम कैसे करता है, तो आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप की शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि इस टाइप की मज़ेदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं दोस्तों।